नमस्कार G24 लाइव न्यूज़ में आपनु स्वागत छे। मित्रों बात करिए तो पहली मे थी 18 થી 45 उम्रनी अंदरनी व्यक्तिओ ने तमाम ने कोरोना वेक्सिनो प्रथम डोज अपावा जई रह्यो छे। तो आ प्रथम डोज माटे 28 એપ્રિલ जेनी रजिस्ट्रेशननी शुरुआत थवा जई रही छे। त्यारे वात करीशुं के आ रजिस्ट्रेशन कई रीतना करवुं जोईए, जे सौथी वधारे महत्वपूर्ण छे, केम के घणा लोकोने ए पण हजु नथी खबर के रजिस्ट्रेशननी प्रक्रिया शुं छे। तो एना जे अमुक स्टेप छे ए तमारे फॉलो करवाना रहेशे। जेनी आ सौथी पहली प्रक्रिया छे के selfregistration.cowin.government.in नी आ लिंक ने ओपन करवानी रहेशे अने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जईने रजिस्ट्रेशननो विकल्प पसंद करवानो रहेशे। त्यारबाद विकल्प पसंद कर्या बाद तमारो मोबाइल नंबर आपीने गेट ओटीपी उपर क्लिक करवानुं रहेशे अने ते मोबाइल नंबर ओटीपी आवशे, जे 180 સેકન્ડમાં सबमिट करवानो रहेशे। ओटीपी सबमिट करता ज नवुं पेज खुली जशे, जेमां तमारे पोतानी विगतो भरवानी रहेशे। जेमां अमुक विगतो आपेली छे तेने भरवानी रहेशे, जेमां अमुक एवी विगत छे जेमां फोटो आईडी माटे आधार उपरांत ड्राइविंग लाइसन्स, पान कार्ड, पासपोर्ट, पेन्शन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड के वोटर आईडी कार्ड पण मान्य रहेशे। आमांथी कोई पण तमे ऑप्शन पसंद करी शको छो अने तमारी रीतना तमारी आईडी आपी शको छो। तेमांथी कोई एक विकल्प पसंद करवानो रहेशे। खास करीने नाम, जाति, जन्म तारीख ने जणावानी रहेशे। त्यारबाद नजीकनुं कोविड वेक्सिनेशन सेंटर पसंद करवानुं रहेशे अने सेंटर सिलेक्ट कर्या बाद तमने अनुकूल समयनो स्लॉट पसंद करी शकाशे। जणावेल आ 9 સ્ટેપને તમારે ફોલો કરવાના રહેશે અને એ ફોલો કરીને તમે પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો અને 1 મેથી જે વેક્સિનની પ્રથમ ડોઝ અપાવવા જઈ રહ્યો છે તેમાં સહભાગી બની શકો છો। આવી અનેક અપડેટથી આપને અવગત કરાવતા રહીશું, તેના માટે જોતા રહો G24 લાઈવ ન્યૂઝ।